जो फ्रिज में यूज होने वाला फैन है, जो कि एडजस्टमेंट जो कंप्रेसर वगैरह ठंडा करने के लिए यूज होता है वो फैन है। ये डायरेक्ट एसी करंट में चलता है और मेड इन चाइना है, जो कि इसका स्टिकर में भी लिखा हुआ है, देख सकते हो ये, जो कि 220 वोल्ट से 240 वोल्ट एसी में चलती है, ये मेड इन चाइना। तो ये ख़राब हो गया है, तो लाइन में लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये नहीं चल रहा है, जो कि देख सकते हो ये नहीं चल रहा है, स्विच दिया हुआ ही है लेकिन नहीं चल रहा है। तो हम लोग रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के पहले यहाँ पे स्टिकर लगा था, तो हम लोग इसको खोलना पड़ेगा। तो खोलेंगे कहाँ से, तो हम लोग वो देखते हैं कि इसको खोलेंगे कहाँ से। तो खोलने के लिए जो इसके पीछे जो एक ठिप्पी दिया हुआ है, जो कि ये रहा निकल गया, ये दबाने से ये निकल जाता है, जो कि ये निकल गया, ये पेच नहीं है, इसे दबाने से खुल जाती है। तो इसके नीचे देखेंगे तो एक पिन लगा हुआ है, देख सकते हो एक हल्का सा पिन है, जो कि उसको भी हम लोगों को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि प्लास वगैरह की मदद से हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों को ये रिमूव करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हो ये पिन हमने निकाल दिए हैं, जो कि इसमें अटका हुआ था, तो ये पिन हमने निकाल दिया। तो ये पिन भी फिर से लगाएंगे हम लोग, क्योंकि अंदर घुस गया, तो इस पिन को फेंकना नहीं है, अच्छे से कहीं पर रख देंगे, क्योंकि इस जगह में रख देते हैं हम लोग, क्योंकि इसी को लगाना है। इसमें वाशर वगैरह है, इसको ऐसे मारेंगे तो निकल जाएगा, तो देख सकते हैं इसमें वाशर है, तो इस वाशर को भी हम लोग अच्छे से रख लेंगे, जो कि अच्छे से रख देते हैं इसको, वाशर के निकाल लेते हैं हम लोग, देख सकते हो इसमें वाशर आया हुआ है। ये सब सारे के अलग रख देंगे, क्योंकि इसको ही फिर से यूज करना है, क्योंकि इसको कोयल में प्रॉब्लम है, तो हम लोग कोयल को निकालते हैं, क्योंकि इसमें तो लाइट ही नहीं ले रहा। तो इसको रिमूव करने के दो स्क्रू है, उसको रिमूव कर देते हैं। इसको निकाल लेंगे कॉइल को, इस वायर भी चेंज, यहाँ पे क्लैंप दिया हुआ है, ये भी निकाल लेते हैं, देख सकते हो इसको भी साइड रखते हैं, ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। दिखा दिए हैं आपको कि ये सब भी रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कॉइल है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे कनेक्शन नहीं मिला, ये कौन सा कोयल में हम लोगों को कनेक्शन नहीं मिला। तो यहाँ पे दो पिन दिया है, जो कि दो वायर के लिए है, तो हम लोग वायर भी चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि वायर ठीक है कि नहीं ठीक है। तो हम सीरीज लाइन से ही चेक कर लेते हैं इसमें, तो देखेंगे हम सीरीज लाइन से इसको वायर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं है इसमें। तो इसमें नहीं है, देख सकते हो इसमें एक में कनेक्शन मिल गया, दूसरा में भी देख लेते हैं। तो इसको वायर ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन सा वायर, कौन सा कनेक्टर कट गया है, इसका ये वाला कोयल ख़राब है या ये वाला कोयल ख़राब है या दोनों ही ख़राब है। तो देख सकते हैं, तो इसमें वो थोड़ा सा जलने का निशान है, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले ये यहाँ से जो सीरीज वायर निकल के इधर गया है, तो इसके बीच में देखेंगे कि कौन सा वायर ख़राब है। तो हम लोग इसमें चेक करके आप लोगों को बताते हैं कि कैसे करके हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें एक वायर को छील लेंगे कहीं पे, जो कि इस जगह में हम लोग छील लेंगे, क्योंकि इस यहाँ से एक कोयल और इधर से एक कोयल, दो कोयल है, तो इसमें से हम लोग बीच में जो एक वायर गया हुआ है, तो इसमें छील लेंगे कि कौन सा वायर इसमें ख़राब है। तो यहाँ से सीरीज लाइन में हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज लाइन में चेक करेंगे तो इतना पतला वायर है कि ये जल जाएगा। तो हम लोग इसमें कंटिन्यूटी मीटर से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग छील लेते हैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि इंसुलेशन वायर है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा बार्निश भी दे देंगे हम लोग बाद में। तो हमने इसको छील लिया, इसमें मीटर से ही चेक कर लेते हैं कौन सा कनेक्टर ख़राब है हम लोगों को। तो इस वाले से देखते हैं रीडिंग आते कि नहीं आते। छिला नहीं है सही से, सही से छीलेंगे, अच्छे से छीलेंगे पहले। तो हम लोग छील लेते हैं ब्लेड वगैरह से, अच्छे से छील लेंगे यहाँ से, आप लोग चेक करके भी दिखा देंगे। देख सकते हो इसमें हमने छील लिए हैं, तो सबसे पहले हम इसमें से नाप लेते हैं, तो देखा देते हैं। तो इसमें से कोई रीडिंग वगैरह नहीं आ रहा है, जो कि इस जगह में छिला हुआ है मेरा, तो इसमें रीडिंग नहीं आ रही है, और हम लोग देख सकते हैं इस जगह में रीडिंग आ रही है। तो एक कोयल हमारा सही है, एक कोयल हमारा ख़राब है। तो ख़राब है कहाँ पे ख़राब है वो देखेंगे अभी, तो मार्क कर लेते हैं पहले, एक ही तरफ है, तो दोनों तरफ एक ही तरफ है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग मार्क कर लेते हैं सबसे पहले, तो मार्क कर लिए।
उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कनेक्ट हुआ जगह में ख़राब हो सकती है इसका। तो कोयल का हालत ठीक है तो कनेक्ट किया हुआ जगह में भी वायर जुड़ा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिर है कहाँ पे फॉल्ट। कि इसमें ज़्यादातर कोयल कम ही जलता है, कनेक्टर का वहाँ पे ख़राब होता है ज़्यादा। तो इस जगह में हम लोग देखेंगे अभी इसको वायर के निकाल के। देख सकते हो ये वाला वायर निकल गया है, तो ये थोड़ा सा वायर निकाल लेंगे हम जो कि कट गया है वायर, तो हम लोग ये वायर निकाल लेंगे यहाँ से क्योंकि निकल जाएगा आसानी से। निकाल के दिखाते हैं। तो इसमें हमने जो वायर निकाले थे वो निकाल नहीं पाए, इसलिए हम लोग इसको ऊपर से ही सोल्डिंग करके वायर निकाल लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं देगा, हल्का सा वायर ही उसके साथ आजू बाजू का वायर से ही हमने सोल्डिंग करके निकाले हैं, और एक ब्लैक पेपर उसको ऊपर रख के, क्योंकि ये गर्म होकर छूट जाएगा इसलिए हम लोग इसको ऊपर ब्लैक पेपर रख के थोड़ा सा कॉटन से इसको बांध देंगे क्योंकि ये ना छूटे। तो इससे बांधने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा हल्का सा बार्निश देके इसको फिक्स कर देंगे और देखेंगे इसमें लाइन आ रखने, क्योंकि छीलने के बाद हम लोगों को इसमें ऊपर से ही जो वायर लगाए हैं तो एक्स्ट्रा वायर लगा के हमने लगाए हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसमें बांधना ज़रूरी है, नहीं तो ये गर्म होकर छूट जाएगा। तो हम लोग इसमें लगाते हैं, अभी बार्निश दे दिए, बार्निश देंगे। बार्निश देने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि लाइन आ रही कि नहीं आ रहा, तो बार्निश दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा बार्निश अंदर गिर गया है तो उसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अगर घूमेगा तो उसमें रोटर में लग जाएगा, इसलिए क्लीन कर दें। तो अब हम इसको देख लेते हैं इसमें लाइन आता है कि नहीं आता है, तो सीरीज लाइन से हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टर है उसके ऊपर ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद वायर में देख लेंगे, क्योंकि स्टार्टर का जो कनेक्टर है वहीं पे चेक कर लेंगे हम लोग, जो कि सीरीज लाइन से चेक कर लेंगे। डायरेक्ट सीरीज लाइन से चेक करने से उस वायर जल जाती थी, इतना पतला वायर है इसमें कि इसको वायर ही नहीं निकलता है, इसलिए हम लोग इसमें ऊपर से ही निकालना पड़ा। जो कि देख सकते हो इसमें लाइट आ गया है, इसमें भी देख लेते हैं, देख सकते हो इसमें भी लाइट आ गया है। तो इतना पतला वायर है इसमें कि वायर निकाल ही नहीं सकते हैं हम लोग, तो इसको छील के ऊपर से ही सोल्डिंग करके लगा दिए हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो हम लोग इसमें फिटिंग करके आप लोगों को चला के भी दिखाएंगे अभी कि बेहतरीन चल रहा है। तो दिखा देते हैं आपको इसको फिटिंग करके, जो कि हमने फिटिंग कर दिए हैं इसको पूरे, जो कि इसको जितना स्क्रू वगैरह था टाइट कर दिए हैं। अब हम मेन लाइन में लगा के आप लोगों को चला के भी दिखा देते हैं, जो कि हल्का सा ही काटा था तो चल जाएगा अभी इसको काम। तो दिखा देते हैं, देख सकते हो चल गया है, जो कि बेहतरीन स्पीड है इसमें, हवा भी अच्छी देती है इसमें, क्योंकि ये तो ए फैन मेरा डी फ्रीजर का है, तो ए डी फ्रीजर के कंप्रेसर वगैरह ठंडा करने के लिए यूज होता है, तो ये फैन हमारा रिपेयर हो गया है।